मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट जनाब मोहतरम साहिबजादा सुल्तान अहमद अली दामत बरकातुहुमुल आलिया का, जो इस वक्त जूनागढ़ स्टेट के दीवान की हैसियत से भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज आप सिटी ऑफ नॉलेज इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने हम सबको नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआगो हैं, परवरदिगार आलम हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दिलों की ज़िंदगी अता फरमाए। आज पहली मर्तबा आप सिटी ऑफ नॉलेज इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए, और बमुश्किल कुछ घंटों पहले ही आपसे हमारा राबता मुमकिन हुआ और आपने बहुत करम नवाजी फरमाई, हमारी दावत को कबूल किया। आज आपकी तशरीफ़ आवरी पर मुझे सबसे ज़्यादा दिली खुशी हुई है। मोहतरम क़िबला साहिबजादा साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सुल्तानुल फ़क्र हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक नसब से नस्बत रखते हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर आप दीन इस्लाम की एक अजीम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा दौर जिसमें आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की जा रही हो, जो डिसेप्शन और डिसइंफॉर्मेशन का दौर हो, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर नैरेटिव बिल्डिंग का काम करना, नौजवानों की जहन साजी करना, और इन नौजवानों में इकबाल और रूमी के पैगाम मोहब्बत और पैगाम इश्क से ज़िंदगी को बेदार रखना, ये मोहतरम साहिबजादा सुल्तान अहमद अली ज़ीदा मजदूहू का इम्तियाज़ बन चुका है। चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट की हैसियत से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर आप मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इंटेलिजेंशिया दोनों को बराह रास्त एड्रेस करते हैं। बहुत आला सतह पर लेक्चर्स, डिबेट्स, सिंपोजियम्स, कॉन्फ्रेंसेस और ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद आपकी ज़ेर निगरानी किया जाता है, जिसके ज़रिए से बिलखसूस बैनुल अक़वामी सतह पर
जो रिलीजियस करंट अफेयर्स हैं या इंसानों की ज़िंदगी से किसी भी नौइयत के इल्मी मसाइल जुड़े हुए हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत भरपूर अंदाज से उन इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए आप ये अजीम कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। अक्ल और नकल, इरशाद और जुनू को आपने बयक वक्त अपने वजूद में जज्ब किया है और बहुत कम उम्री में अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। हम दुआगो हैं अल्लाह रब्बे करीम आपकी इन तमाम तर खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम आपको तवील उम्र, खैर आफियत और ईमान के साथ अता फरमाए। आज आपने हमारी दावत को कबूल किया और प्रोग्राम की तरतीब यह है कि इंशाअल्लाह क़िबला साहब का भी खिताब होगा और इसके फौरन बाद आप में से अगर कोई सवाल करना चाहता है तो क्वेश्चन आंसर सेशन ब्रीफली होगा, हम उसको ज़्यादा तवील नहीं करेंगे। मैं बहुत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट दीवान ऑफ जूनागढ़ इस्टेट साहिबजादा सुल्तान अहमद अली जीदा मजदहू से कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का रूमी और इकबाल के उनवान पर इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बादा व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। काबिल सद एहतराम जनाब डॉक्टर उमेर महमूद सिद्दीकी साहब, रुकन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पाकिस्तान, सदर नशीन सिटी ऑफ नॉलेज इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नाचीज़, के लिए ये बहुत बड़े एहसास की बात है कि आप तमाम अहले इल्म, अहले फ़िक्र के सामने इस इदारे में यहाँ पे मौजूद हूँ। और मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि ज़मीन कैसे हमवार की जाती है, बीज कैसे बोया जाता है, उसकी निगहदाश्त कैसे की जाती है, सर्दी में, कोहरे में, बर्फ़बारी में, बारिश में, धूप में, आंधी में, किस तरह उस नन्हे से पौधे को महफूज किया जाता है, उसकी आबियारी की जाती है, उसके इर्द गिर्द फासिद जड़ी बूटियों को किस तरीके से तल्फ किया जाता है और फिर किस तरह उसको एक तनावर दरख्त कुदरत अपने इंतज़ाम से बनाती है। तो ये सारा माली का काम है जो वो करता है। और इस सिटी ऑफ नॉलेज इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पे अल्लाह ताला ने डॉक्टर उमेर महमूद सिद्दीकी साहब को मुकरर किया है और ये इस इदारे को एक माली की तरह, एक किसान की तरह, जिस मेहनत से, जिस काविश से, जिस खूबसूरती से लेके चल रहे हैं, मैं ये कहने में बिल्कुल भी एग्जेजरेट नहीं कर रहा और किसी मुबालगा आरई से काम नहीं ले रहा। इंशाअल्लाह ये इदारा इस्लामी फ़िक्र की आबियारी में मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर सबसे नुमाया और अजीम इदारा होगा। और आपकी जितनी काविशें हैं इस पर मैं आपको दिली तौर पर खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये दुआ भी करता हूँ कि जितने बड़े मौजूआत हैं आपके, आपके इस शहर को अल्लाह ताला इतना बारौनक बनाए कि आपकी ऑडियंस में उन मौजूआत को समझने वाले लोग आके बैठें। इल्म हमारी मीरास है और अपने मौजू पे आने से पहले मैं आपको इकबाल की मारूफ नज़म, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों है, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। गर्दों आसमान को कहते हैं जिस पे हज़ारों करोड़ों के सैारे और सितारे हैं, कवाकब हैं। तो वहाँ पे
वो कहते हैं कि तू उस आसमान से टूटा हुआ सितारा है, तुझे पाला है उस तहजीब ने आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरे दारा। तमद्दुन आफरी खुल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरबियानी शुतर बानों का गहवारा। हकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नज़ारा। तुझे आबा से अपने कोई नस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान हमको दे मारा। और इस सारी नज़म के फ़्लो के इख्तिताम पे हज़रत अल्लामा ने गनी कश्मीरी का ये फ़ारसी शेर लिखा है। गनी रूज़े सियाहे पीरे किनारा तमाशा कुन, के नूरे दीदा अश रोशन कुनद चश्मे ज़ुलेखारा। हम दरसी रवायत से जुड़े हुए लोग इन मौजूआत में बहुत मोहतात होते हैं, लेकिन शुआरा हज़रात हमारी ख़ास तौर पे जो फ़ारसी की रवायत थी वो इसमें इस्तियारों को बरत लेते थे अपने एक तरीक़ेकार के मुताबिक। अब हमारे लिए दिक्कत होती है कि हम हद अदब से तजावुज़ ना करें, लेकिन जिस मफहूम में गनी कश्मीरी ने इसको बयान किया उस मफहूम में अल्लामा इकबाल ने इसको थोड़ा सा अपने जिस फ़्लो में इस्तेमाल किया, उसका माना क्या निकलता है। माना उसका ये बनता है कि इल्म किताबें जब मैं उनको यूरोप की लाइब्रेरियों में देखता हूँ तो मेरा दिल 30 टुकड़े हो जाता है। और ये हमारे असलाफ की मीरास थी जिसको हमने गंवा दिया, और जब से हमने ये मीरास गंवाई हमें सुरैया से ज़मीन पर आसमान हमको दे मारा। हम बहुत बुलंदी पे थे, लेकिन तकदीर ने इल्म की दौलत हाथ से निकल जाने के बायस हमें बुरी तरह ज़मीन पे पटक दिया। और आगे गनी कश्मीरी का शेर ये कहता है कि ए गनी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की किस्मत का अहवाल देखो, कि यूसुफ उनकी आँखों के नूर हैं, अलैहिस्सलाम उनकी आँखों के नूर हैं, लेकिन उनकी आँखों की बिनाई को ख़त्म करके ज़ुलेखा की जाती हुई बिनाई का नूर उसको वापस लौटा देते हैं। इस शेर का यहाँ क्या माना बनता है? तो इसका माना ये बनता है, यहाँ पे ये लिखने की वजह ये बनती है कि इकबाल यहाँ ये कह रहे हैं कि तीन किरदार हैं इस शेर में, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ुलेखा और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब तक नूरे यूसुफ़ था, हुस्ने यूसुफ़ था, तो उनकी आंखें जगमगाती थीं, लेकिन जब वो नूर हज़रत याकूब से चला गया तो उनकी आंखों की बिनाई भी जाती रही। और वो नूर किसके पास पहुंचा? बीबी ज़ुलेखा के पास, जिनकी जवानी जा रही थी, गोया उनकी बिनाई जा रही थी। वो नूर उनके पास पहुँचा तो उनकी जाती हुई बिनाई लौट आई, गोया जिसके पास हुस्ने यूसुफ़ होगा उसी के पास देखने की सलाहियत होगी। इकबाल के नज़दीक इस शेर की जो तशरीह थी, इस मुकाम पे लाने की वजह थी, वो ये थी कि इल्म यूसुफ़ है, अगर वो हमारे पास यानी याकूब के पास है तो हमारी आंखों में बिनाई होगी, हम उसे गंवा देंगे और उन कुतुब को अहले यूरोप संभाल लेंगे तो बिनाई उनके पास होगी। जहाँ इल्म होगा वहाँ नूर होगा। तो इसलिए ये इकबाल की ख्वाहिश थी कि इस तरह के अजीम इल्मी कारनामे सरंजाम दिए जाएं। और इकबाल ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इसी तरह के आइडियाज़ दिए थे, जिस आइडिया पे ये इदारा कायम है। मेरी बहुत सी दुआएं और नेक ख्वाहिशात डॉक्टर साहब के लिए, आपकी सारी टीम के लिए, कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी और अपनी तौफीकात से सरफराज फरमाए। मौजू पे आते हुए मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इकबाल ने रूमी से जो इस्तफादा किया है,
वो इतना बड़ा है कि उसका इहाता नहीं किया जा सकता। और इकबाल रूमी से इस कदर इंस्पायर थे, इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे अलकाब दिए हैं मौलाना रूमी को जो शायद तसव्वुफ़ की तारीख में भी कम कम उलमा ने अपने शुयूख के दिए होंगे। मिसाल के तौर पे एक मुकाम पे इकबाल रूमी को मुखातिब करके कहते हैं, ऐ शरीके मस्तीए खासान बदर। खासान बदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बदर में शरीक थे, और इकबाल कहते हैं कि उनके इश्क से जिसको कुछ हिस्सा मिला है असहाब बदर के इश्क में से, उनके जज्बो मस्ती में से, उनमें से एक मौलाना जलालुद्दीन रूमी। इसी तरह इकबाल एक मुकाम पे आपको काफिला शौक का सालार कहते हैं। काफिला शौक से क्या मुराद है, ये हम आगे इकबाल के तसव्वुर से इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इकबाल आपको कहते हैं कि तुझ पे रोशन है ज़मीर कायनात। कि जलालुद्दीन रूमी वो शख्सियत हैं जिन पे सिर्फ़ कुतब ही रोशन नहीं है, सिर्फ़ इल्म की लिखी हुई रवायात ही रोशन नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको कायनात का ज़मीर समझने की हिकमत अता की। उनको इकबाल पीर हक सरिश्त कहते हैं, और बयाबान की तारीकी में मौलाना रूमी की शख्सियत को एक चरागे रूहबानी की हैसियत से देखते हैं, और इकबाल उन्हें हकीम पाकजाद कहते हैं। और 20वीं सदी में दुनिया इस्लाम में जो चंद बड़े आली दिमाग उलमा पैदा हुए, उनमें हज़रत अल्लामा इकबाल सरफ़हरिस्त हैं। और अल्लामा इकबाल ने ना सिर्फ अपनी दीनी रवायत को पढ़ा, अपने अदबी सरमाए को पढ़ा, बल्कि उसके साथ साथ जदीद क़ानून को और जदीद मगरबी फ़लसफ़े के ऊपर दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी अथॉरिटी ऑफ़ ऑल टाइम्स, उनसे पहले भी किसी ने इतनी बारीकी से दुनिया इस्लाम के नुक्ते नज़र से मगरबी फ़लसफ़े को नहीं समझा, और इकबाल के बाद भी किसी ने इतनी गहराई के साथ मगरबी फ़लसफ़े को नहीं समझा और उन उसके सवालों को उस तरीके से आंसर नहीं किया और उसके ऊपर उस तरह के सवालात नहीं उठाए जो काम हज़रत अल्लामा इकबाल ने किया। इकबाल जैसा रोशन फ़िक्र, इकबाल जैसा जदीद अजीम ज़हीन आलिम और स्कॉलर रूमी को ये कहता है कि जिस तरह तुम अपने अहद में तरोताज़ा थे, तुम्हारे और मेरे दरमियान 7 सदियों का फ़ासला है, मगर मेरे अहद में भी तुम उतने ही ताज़ा होकर पहुँचे हो। इकबाल की रुबाई है अरमुगाने हिजाज़ फ़ारसी में, जिसमें इकबाल कहते हैं तल आतश, नहीं ये मस्तवी असरार खुदी में है, तल आतश रखशिंदा मिसले आफ्ताब, शीब ऊफर खंदा चूँ अहद शबाब। इकबाल कहते हैं कि रूमी की जो रोशनी है और उसके चेहरे की जो तलात है वो आफ्ताब की तरह, सूरज की तरह रोशन है, शेब ऊफर खंदा चूँ अहद शबाब, और उसकी जो बुढ़ापा है वो भी उसकी जवानी की तरह तरोताज़ा है। यानी 700 साल गुजर गए, लेकिन जिस तरह वो अपने अहद में तरोताज़ा था, मेरे अहद में भी उतना ही तरोताज़ा है। पैकरे रोशन ज़े नूरे सरमदी, दर सरा पायश सरूरे सरमदी। उसका पैकर नूरे सरमदी से रोशन है, और उसके सरापा के अंदर सरूरे सरमदी मौजूद है। इकबाल ने रूमी को बचपन से ही पढ़ा था, लेकिन इकबाल ने रूमी को बतौर मुर्शिद के कब कबूल किया, जब इकबाल शायरी का इरादा तर्क कर चुके थे। 1908 में मगरब में इकबाल जिस वक्त शायरी की बजाय किसी और चीज़ की तरफ देख रहे थे, और ख़ुद अपने आप के बारे में बहुत तशवीश का शिकार थे, दुनिया इस्लाम के बारे में बहुत तशवीश का शिकार थे, उस दौरान इकबाल ने जिस तरह इसको बयान किया है वो एक इंट्यूटिव तरीका आपको लगता है, जिस तरह रूमी की तरफ इकबाल मायल हुए। लेकिन अगर इसको इंट्यूटिव की बजाय सिर्फ एक शायराना वारदात भी कहा जाए, तो भी ये इकबाल का शायराना तजुर्बा भी
इंट्यूटिव के करीब करीब चला जाता है, यानी उस पर इंट्यूटिव का ही गुमान होगा। जिस तरीके से इकबाल ने रूमी को कबूल किया, और रूमी को जब इकबाल ने कबूल किया 1908 में, तो 1908 से लेके 1938 तक इकबाल के 30 साल में हर मरहले पे रूमी आपको अल्लामा इकबाल के साथ साथ चलते नज़र आते हैं। और दुनिया इस्लाम का सबसे ज़हीन आदमी 30 साल जिस इल्म के सरचश्मे के अंदर गोता जनी करता है, इल्म के जिस समंदर के अंदर गवासी करता है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसने उससे कितने बड़े नताइज अख़ज़ किए हैं मौलाना रूमी की तालीमात से इन 30 बरसों के अंदर। और रूमी पर इकबाल का जो एतमाद है, उसकी चार वजूहात डॉक्टर नज़ीर कैसर ने अख़ज़ की, जो मेरे ख़्याल में इसकी फंडामेंटल स्कॉलरली रीज़न्स कही जा सकती हैं। डॉक्टर नज़ीर कैसर कहते हैं कि पहली रीज़न ये थी जो रूमी ने इकबाल ने रूमी को कबूल किया, रूमीज़ लव अंडरस्टैंडिंग एंड रिगार्ड फॉर द कुरान एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। दूसरी बात, रूमीज़ पैरामाउंट पोजीशन एज अ रिलीजियस स्कॉलर। तीसरी बात, डॉक्टर नज़ीर कैसर कहते हैं रूमीज़ यूनिकनेस एज अ मिस्टिक पोएट। और चौथी बात, रूमीज़ सुप्रीमेसी एज एन ओरिजिनल फिलोसोफर। ये चार चीज़ें थीं जिन्होंने अल्लामा इकबाल को मौलाना रूमी के ऊपर एतमाद दिलाया कि रूमी की फ़िक्र इकबाल को कभी गुमराही के अंदर मुब्तला नहीं करेगी और हकीकत के ऊपर ही उसको रखेगी। और हमें भी इकबाल ने यही नसीहत की कि अगर तुम भी किसी मुस्तनद काबिल एतबार रास्ते पे चलना चाहते हो तो वो पीर रूमी का रास्ता है। उसके लिए इकबाल असरार और रमूज़ में कहते हैं, कीमिया पैदा कुन अज मुश्ते गिले, बोसा जन बर आस्ताने कामिले, के अपनी मट्टी से कीमिया पैदा कर और किसी कामिल के आस्तान के ऊपर बोसा दे, शमे खुदरा हम चूँ रूमी बर फिरोज, रूम रा दर आतिश तबरेज सोज। रूमी इकबाल कहते हैं कि शमे खुदरा, अपनी शमा को ऐसे जलाओ जिस तरीके से जलालुद्दीन रूमी ने अपनी शमा को रोशन किया, और उन्होंने किस तरह अपनी शमा को रोशन किया कि रूमी ने अपना रोम तबरेज़ की आग में जला दिया। तो जब तक तुम अपना रोम तबरेज़ की आग में नहीं जलाते, तब तक तुम्हारे इल्म की वो शमा रोशन नहीं हो सकती। और ये मस्नवी शरीफ से भी इसका इस्तिनबात किया जा सकता है कि ये बात इकबाल ने जो कही है, मौलाना ने भी बहुत मुकामात पे मस्नवी में भी और अपने दीवान में भी इसको रिपीट किया। इसके बाद जो चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि रूमी को जब इकबाल ने कबूल किया तो पहली किताब जो इकबाल ने बाज़ाब्ता लिखी वो मस्नवी असरार खुदी है। अगर आप मस्नवी असरार खुदी को देखें तो वो आपको आइडियाज़ के अंदर भी और अपनी टेक्निक के अंदर भी वो आपको मस्नवी का रिप्लिका नज़र आएगी। कैसे कि मस्नवी में बुनियादी चीज़ें मैं आपको दो तीन बताता हूँ असरार खुदी में और अल्लामा मौलाना रूमी की मस्नवी मानवी में। जो असरार खुदी के उनवानात बनाए गए हैं वो सारे उनवानात बनाने की टेक्निक वही है जो मस्नवी मौलाना रूमी में उनवानात बनाने की टेक्निक है, तवील फारसी जुमलों के साथ। दूसरी बात, जो शेरी औज़ान हैं जिसको बहर कहते हैं वो वही है जो मस्नवी मानवी की है, उसी को अल्लामा इकबाल ने मस्नवी असरार खुदी के अंदर लिखा है। इसके बाद आप आगे चल के ज़बूर अजम देख लें, जावेद नामा देख लें, इकबाल की मस्नवी मुसाफिर देख लें, अरमुगान हिजाज देख लें, प्याम मशरक देख लें। मौलाना रूमी अल्लामा इकबाल ने उस तरह वाक़ियात को कलब बंद नहीं किया जिस तरह उन्होंने, औरंगज़ेब आलमगीर का वाक़िया है, हज़रत
داتا علی حجویری کا واقعہ ہے، دیگر واقعات کو حضرت ابو عبیدہ کا واقعہ ہے، ان کو جس طریقے سے اقبال نے قلم بند کیا ہے مثنوی کی شکل میں اور ان سے جو نتائج اخذ کیے ہیں، وہ واقعات لکھنے کی ترتیب بھی اور ان سے وہ نتائج اخذ کرنے کی ساری ٹیکنیک بھی وہی ہے جو مثنوی معنوی کے اندر ہے۔ اس لیے جو پہلی تجلی اقبال کے اشعار سے، اقبال کی فکر سے ظاہر ہوئی مولانا رومی کے فیض کی، وہ پہلی تجلی اسرار خودی تھی اور رموز بے خودی تھی۔ اس کے بعد گو کہ اقبال متاثر رہے، لیکن سب سے نمایاں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ اور جو اسرار خودی کا اگر آپ دیباچہ پڑھیں، اسرار خودی کا دیباچہ بھی سارا اسی بات کے اوپر اصرار کرتا ہے، اور وہ شروع بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ حضرت علامہ اقبال کو عالم خواب میں مولانا جلال الدین رومی کی زیارت ہوتی ہے۔ اب وہ میں سارے اشعار پڑھ کے ترجمہ کروں تو گفتگو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن وہ پڑھ کے انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اقبال کے نزدیک اس کی جو زندہ اور تابندہ شکل ہے مولانا رومی کے کلام کی، اس کی طرف جس طرح اپنے قاری کو اقبال نے متوجہ کیا ہے، وہ حیران کن ہے۔ اور دوسری اقبال کی کتاب جس پہ رومی کا بہت زیادہ اثر ہے، وہ جاوید نامہ ہے۔ جاوید نامہ میں اقبال نے کتاب کا آغاز ہی اسی طرح کیا ہے کہ وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، اور دریا کے کنارے بیٹھ کے وہ مولانا جلال الدین رومی کی ایک غزل کو پڑھ رہے ہیں بڑے درد و سوز کے ساتھ، اور وہاں حضرت مولانا جلال الدین رومی کی روح ظاہر ہوتی ہے اقبال کے سامنے، اور وہ اقبال سے مکالمہ کرتے ہیں، اور اقبال ان کے سامنے کچھ بڑے سوالات رکھتا ہے اپنی معاصر دنیا کے، اپنی ہم عصر دنیا کے، اور مولانا رومی ان سوالات کا جواب دینا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ اقبال کو سفر روحانی کی طرف لے کے جاتے ہیں جس میں روح اقبال روح رومی کے ساتھ مل کے دنیا میں جتنے سات بڑے سیارے کہے جاتے ہیں ان کی سیر کرتے ہیں، اور وہاں مختلف ارواح کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور وہ پوری کی پوری جو داستان ہے، وہ جو واقعہ ہے، بہت خوبصورت ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جس طریقے سے علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا۔ اسی طرح اقبال کی جو مثنوی مسافر ہے، مثنوی مسافر میں بھی علامہ اقبال کا جو سفرنامہ افغانستان ہے، اس میں بھی علامہ اقبال نے جو اپنے کلام کے اور اپنے فکر کے مقاصد بیان کیے ہیں، فکر کے مقاصد کو علامہ اقبال نے یہی کہا ہے کہ میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو کام مجھ سے پہلے مولانا جلال الدین رومی نے کیا، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، وقت است کہ بکشایم میں خانہ رومی باز، پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست، کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ میں رومی کے میں خانے کا دروازہ ایک بار پھر کھول دوں رندوں کے لیے، کیونکہ میں نے شیخ حرم کو کلیسا میں رقص کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیخ حرم کا کلیسا میں رقص کرنے سے کیا مراد ہے، اس کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں، اور اس کی ان تشریحات میں ایک تشریح آپ کو اقبال کی ارمغان حجاز اردو کی آخری نظم بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سرود بر سرے ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربی است۔ یہ جو مسئلہ وطنیت تھا اقبال کے نزدیک، جتنے بڑے بڑے اسلامی سکالرز اس وطنیت کا شکار ہوئے، وہ بنیادی طور پہ ایسے پیران حرم تھے جو صحن کلیسا میں رقص کر رہے تھے۔ جتنے بھی اس اوطان کے نظریے کے اور وطنیت پرستی ہماری ملت کی بنیاد ہے، اس کا شکار تھے، علامہ اقبال کا اشارہ ان کی طرف ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ چوں رومی در حرم دادم ازامن، ازوا مختم اسرار جامن، کہ میں نے رومی کی طرح حرم میں اذان دی اور میں نے رومی سے روح کے اسرار سیکھے۔ یہ روح کے اسرار کیا ہیں، یہ بنیادی فنڈامنٹل بات ہے جو مثنوی کا پورا مقدمہ ہے، مثنوی رومی کا۔ علماء سے تو میرا سوال نہیں ہے، جو طلباء یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ رومی کی مثنوی کا نام کیا ہے، مثنوی شریف
वो तो हम सब जानते हैं उसको मसनवी शरीफ से ही। अब मसनवी जो है वो एक सनफ शेर है, किताब का नाम नहीं है। जैसे गज़ल शेर की सनफ है, कसीदा है, नज़म है, रुबाई है, क़िता है, इसी तरह मसनवी है। तो किताब का नाम मसनवी नहीं है, मसनवी रूमी भी नहीं है और मसनवी शरीफ भी नहीं है, वो तो हम अदब से कहते हैं मसनवी शरीफ। किताब का नाम है मानवी। और मानवी का नाम रखने की वजह क्या है? दो चीज़ें हैं, एक हर्फ है, एक माना है। जो हर्फ है वो शय मरई है और जो माना है वो शय गैर मरई है, जो मौजूद तो होता है मगर नज़र नहीं आता। यानी हर्फ की हकीकत, हर्फ की रूह माना है। इसी तरह जिस्म वो है जो नज़र आता है और रूह वो है जो नज़र नहीं आती। इसी तरह जो कायनात है, जो इसका वजूद एतबारी है, वो तो नज़र आता है लेकिन जो वजूद हकीकी है वो हर देखने वाले को नज़र नहीं आता। तो जो ज़ाहिर है वो तो लोग देखते हैं लेकिन जो हकीकत है, हकीकत को लोग नहीं देखते। और मौलाना रूमी की जो सारी काविश थी मसनवी की, वो उन्होंने माने के ऊपर यानी रूह के ऊपर, हकीकत के ऊपर और शय गैर मरई जिसको देखा तो जा सकता है मगर लोग देखते नहीं, उसके ऊपर सारी मौलाना रूमी की ये फ़िलासफ़ी थी और उसी पे उनका सारा इसरार था। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जिस वक़्त एक डायरेक्शन इख्तियार की 1908 के बाद, तो अल्लामा इकबाल ने भी यही डायरेक्शन तय की कि जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है इल्मियात के मैदान में, वो चैलेंज इसी हर्फ व माना के मसले के ऊपर है। और इकबाल के जो खुतबात हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, उसमें इकबाल के 4 डेडिकेटेड खुतबात हैं इसी मौजू के ऊपर, जिसको इकबाल ने ज़राए इल्म कहा है कि इल्म के ज़रिए हैं बुनियादी तौर पे। अगर आप वो खुतबात देखें तो उनका जो एम्फसिस है वो इल्म के इंट्यूटिव वे के ऊपर है, जिसे आम तौर पे कहा जाता है कि इल्म के 3 ज़रिए हैं। एक इल्म हवास से हासिल किया जाता है, दूसरा इल्म का ज़रिया अक्ल है, अक्ल के ज़रिए इल्म हासिल किया जाता है, और तीसरा इल्म का ज़रिया वो विजदान है, और तीसरा इल्म का ज़रिया इंट्यूटिव है, जिसको पैगंबराना ज़ुबान में वही कहते हैं, जिसे टेक्निकली उलमाए कराम मुखबर सादिक की ख़बर कहते हैं कि सच्ची खबर देने वाले की ख़बर कि उसने ये बताया, जैसे कुरान मजीद है। कुरान मजीद का जो इल्म है वो महज अक्ल से या हवास से हासिल किया हुआ नहीं, वो वही के ज़रिए आया है। और इकबाल का जो एम्फसिस है उनके ज़माने की इल्मियात में, जिस वक़्त हर तरफ इनकार मज़हब हो रहा था, इनकार वही था, इनकार इल्हाम था, तो उसके सामने इकबाल का जो सारा मुकदमा है वो इल्हाम के ऊपर और वही के ऊपर उनका एम्फसिस था। और मौलाना रूमी का भी जो एम्फसिस था उनके ज़माने में, जितनी इल्मी फ़लसफियाना तहरीकें दुनिया इस्लाम में बपा थीं उनमें ज़ाहिरियत रह गई थी लेकिन वो अंदर की जो हकीकत थी उससे एक नाआशनाई फैल गई। इसलिए अल्लामा इकबाल का अब इसी रुबाई को आप, ये जो अल्लामा इकबाल ने अपनी वफ़ात से कुछ अरसा पहले लिखी, इस रुबाई को पढ़ें और देखें कि इकबाल क्या कह रहे हैं। चूँ रूमी दर हरम दादम अजामन, मैंने रूमी की तरह हरम में फिर अजान दी है। अजुआ मुख्तम असरारे जामन, मैंने रूमी से जान के यानी रूह के, और मसनवी के टाइटल के अगर आप तनाजुर में देखें तो यानी मैंने रूमी से माना के असरार सीखे हैं। बदोरे फितना असरे कोहन ऊ, बदोरे फितना असरे रवा मन, जो वक्त गुज़र गया उस गुज़रे हुए वक्त में रूमी इस फितने के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहा, और आज की दुनिया के अंदर इस इनकार वही और इल्म के तीसरे ज़रिए का जो इनकार है, इसके फितने के ख़िलाफ़ रूमी की तरह अपने ज़माने में मैं बरसरे पैकार हूँ। और इसी तरह ज़बूर अजम में
अल्लामा ये कहते हैं, शरारे जुस्तए गीर अज दरूनम के मन मानिंद रूमी गर्म खूनम, कि वो चिंगारी जिसे तू खो बैठा है उसे मेरे अंदर से तलाश कर, मेरे कलाम से तलाश कर। क्यों? कि मन मानिंद रूमी गर्म खूनम, क्योंकि मैं भी रूमी की तरह गर्म खून हूँ। गर्म खून की क्या तशरीह है ये मैं थोड़ा आगे चल के आपसे अर्ज़ करता हूँ। ये इस्तलाह जो है ये महज लफ्ज़ ये शेर वज़न शेरी के लिए नहीं रखती गई, बल्कि गर्म खून की इस्तलाह इकबाल के यहाँ जैसे हरम की इस्तलाह है, दीगर इस्तलाहात हैं, इसी तरह ये एक मुस्तकिल इस्तलाह है इकबाल के यहाँ और इसका एक माना है। और उसके बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो यही मुकदमा है सारा, रूह का और तन का, हर्फ का और माना का, जिस्म का और अंदर का, ये आपको पूरे कलाम इकबाल में नज़र आता है। और इसकी जो असल है वो रूमी है, जिसने इकबाल के अंदर ये चिंगारी और ये शऊर फूंका। मसलन इकबाल की एक बहुत मारूफ नज़्म है बाले जिब्रील में, आपने पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें अच्छी तशरीह के साथ वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। पीरे रूमी और मुरीद हिंदी, मुरीद हिंदी अल्लामा इकबाल हैं और पीरे रूमी मौलाना जलालुद्दीन रूमी हैं। मुरीद हिंदी उनसे सवालात करता है अपनी हम असर दुनिया के, और पीरे रूमी उनका जवाब देता है। अब वो जितने जवाबात हैं ज़ाहिर है वो इंतखाब इकबाल का अपना है, मगर इंतखाब मस्तवी मानवी से किया है उन्होंने, आज के सवालात उठा के मस्तवी मानवी से उन्होंने उसका जवाब दिया। एक तो वही जैसे तमहीद में हमने देखा कि इकबाल ने कहा कि उसका बुढ़ापा उसकी जवानी की तरह तरोताज़ा है, तो इसका माना यही था कि रूमी आज के भी जो सवालात हैं उनके जवाब देता है। और वो जहाँ से शुरू होती है मुरीद हिंदी और पीर रूमी, वो शुरू यहाँ से होती है, चश्मे बीना से है जारी जुए खून, देखने वाली आँख खून रोती है, क्योंकि इल्म हाजिर से है दीन जारो जबूं, कि असरे हाजिर के इल्म से दीन की बुनियादें हिला के रख दी गई हैं, दीन खारो जबूं है। तो मौलाना रूमी इसका जवाब देते हैं कि इल्म ने कैसे दीन को डस लिया। मौलाना रूमी इसका जवाब देते हैं, इल्म रा बर तन जनी मारे बवद, इल्म रा बर दिल जनी यारे बवद। अगर तू इल्म को जिस्म तक रखेगा तो ये काट खाने वाला सांप है, ये डस लेने वाला सांप है, जहरीला सांप है। अगर इल्म का ताल्लुक बदन से है तो इल्म तेरे लिए काट डालने वाला सांप है। इल्म रा बर दिल जनी यारे बवद, लेकिन अगर इल्म को अपने दिल पे लगाओगे तो ये तुम्हारे लिए यारे गमखार का काम देता है। अब ये एक शेर है रूमी का, इल्म रा बर तन जनी मारे बवद, इल्म रा बर दिल जनी यारे बवद। इल्म को तन तक रखोगे, जिस्म तक रखोगे, रूमी के अल्फाज में अगर इल्म को हर्फ तक रखोगे तो ये काटने वाला सांप है, दीन ख्वारो जबूं होता रहेगा। इल्म रा बर दिल जनी यारे बवद, लेकिन जब तू इल्म को हर्फ से निकाल के माना में ले आएगा तो ये तेरा दोस्त गम गुसार बन जाएगा। अब ये इस शेर की ईको आप कलाम इकबाल में देखिए जा बजा। मैं कुछ मुंतखब अशार इकबाल के कलाम से आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस एक शेर का, इस फिक्र का और जो असास है मस्तवी की, इस सब का क्या असर है अल्लामा इकबाल के ऊपर। इकबाल की मारूफ शेर है, दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है, दिल या शिकम, तन या दिल। मारूफ नज़्म है इकबाल की, मन की दुनिया, मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया, तन की दुनिया सूदो सौदा मकरो फन। मन से मुराद दिल है और तन से मुराद तन है, मन से मुराद माना है और तन से मुराद हर्फ है। मन की दुनिया, मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया, तन की दुनिया सूदो सौदा मकरो फन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत
छाँव है आता है धन जाता है धन। मन की दुनिया में न देखा मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो बरहमन। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। इल्म रा बर तन जनी मारे बवत, इल्म रा बर दिल जनी यारे बवत। इसी की गूंज इकबाल के इस शेर में आती है। असरे हाजिर मलकुल मौत है तेरा जिसने, कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्रे मुआश। इल्म रा बर तन जनी मारे बवत, इल्म रा बर दिल जनी यारे बवत। बाज न होगा कभी बंदाए कुब को हुमाम, हिफ्ज़े बदन के लिए रूह को कर दूं हलाक। ए मेरे फकरे गयूर फैसला तेरा है क्या, खिलाते अंग्रेज या पैरहने चाक चाक। बाज न होगा कभी कि जो शाहीन है ये कबूतर का और फाख्ता का गुलाम कभी नहीं बन सकता। उकाब शाहीन कबूतर का और फाख्ता का गुलाम कभी नहीं बन सकता, इसलिए वो कहते हैं कि क्या मैं अपनी रूह को बदन के लिए हलाक कर दूं। इकबाल के नज़दीक जो रूह है वो शाहीन है, वो बाज है, वो उकाब है, और जो बदन है ये फाख्ता है और कबूतर है, जो हर्फ है ये फाख्ता और कबूतर है, और जो माना है वो शाहीन है। तो इकबाल कहते हैं कि माने को हर्फ के लिए कुर्बान मत कर, बातिन को ज़ाहिर के लिए कुर्बान मत कर, रूह को जिस्म के लिए कुर्बान मत कर। बल्कि हज़रत मौलाना ने इसके ऊपर एक तमसील भी कायम की है मस्तवी में, जिसमें हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने यह फरमाया है कि इब्लीस ने इसलिए सजदा नहीं किया था क्योंकि उसकी नज़र वो इंसान के ज़ाहरी जिस्म के ऊपर थी, उसने उसकी जो शान व नफ़ख़्तु फ़ीह मिन रूही थी उसको नहीं देखा, जो इसके अंदर नूर डाला गया उसको नहीं देखा। लेकिन मौलाना कहते हैं कि जिब्रील अमीन पहले फ़रिश्ते थे जिन्होंने हज़रत आदम को सजदा किया सफ़े मलाइका में, और उसके लिए वो कहते हैं कि उसकी वजह एक तो हुक्म इलाही था और दूसरी वजह उसकी ये थी कि जिब्रील की नज़र आदम की खाक पे नहीं आदम की रूह पे थी। तो हज़रत मौलाना के नज़दीक महज जसद आदमी को देखना ये इब्लीस की रवायत है, और रूह आदमी को देखना ये जिब्रील की रवायत है। इसके ऊपर ये सारा उनका नज़रिया है जो मानवी की तशरीह है, और इसी के ऊपर हज़रत अल्लामा के अपने कलाम की भी और उनके खुतबात की भी सारी बुनियाद है। मस्तवी में मौलाना ने फरमाया है कि हर के शीरी मीज़ैद उ तल्ख मुर्द, हर के उ तन रा परस्तद जान बुर्द। जो शख्स खुशगवार ज़िंदगी बसर करता है उसकी मौत मुश्किल हो जाती है। हर के उ तन रा परस्तद, जो तन परवरी करता है वो कभी भी आसानी से अपनी जान जान आफरीन के हवाले नहीं करता। अब आइए एक दूसरी नज़म पे जो इकबाल की है, यूरोप से एक ख़त। यूरोप से एक ख़त इकबाल को मिलता है, उसका अहवाल इकबाल ने लिखा है और वो नज़म की सूरत में है, और फिर उस ख़त का जवाब दिया। ख़त है, पहले मैं नज़म सुनाता हूँ फिर उसमें से दो लफ्ज़ों की सिर्फ तशरीह अर्ज़ करूँगा फिर इकबाल का जवाब बताता हूँ। हम खूगरे, ये ख़त किसी भेजने वाले ने भेजा, हम खूगरे महसूस हैं साहिल के ख़रीदार, एक बहरे पुराशोब व पुरसरार है रूमी। तू भी है उसी काफिलाए शौक में इकबाल, जिस काफिलाए शौक के सालार हैं रूमी। इस असर को भी उसने दिया है कोई पैगाम, कहते हैं चरागे रहे अहरार है रूमी। क्या हमारे ज़माने के लिए भी रूमी का कोई पैगाम है? इसमें दो इस्तलाहात आप तलबा ज़रूर नोट कर लें। पहली है हम खुगरे महसूस हैं साहिल के ख़रीदार। जितना ये एम्पेरिकल साइंसेज हैं ये हिस के ऊपर कायम हैं, और जितने मगरबी उलूम हैं वो महसूस की बुनियाद पे खड़े हैं, यानी जो सेंसरी सोर्स ऑफ नॉलेज है
जिसको सेंसेस के ज़रिए महसूस किया जा सकता है, उसके ऊपर खड़े हैं। और वो ये कहते हैं कि हम खुगरे महसूस हैं, हम हिस्सी इल्म को ही असल इल्म मानने वाले लोग हैं और हम साहिल पे खड़े हैं, लेकिन जो रूमी है वो तो एक बहुत बड़ा बहुत वसी समंदर है। और इकबाल को मुखातिब करने वाला कहता है, तू भी है उसी काफिला शौक में इकबाल, जिस काफिला शौक के सालार हैं रूमी। काफिला शौक से क्या मुराद है? इन दोनों इस्तलाहात के अंदर एक सीक्वेंस है, खुगरे महसूस में और काफिला शौक में। खुगरे महसूस जो है ये रिप्रेजेंट करता है हिस्सी इल्म को ही असल इल्म मानने वालों को, और काफिला शौक जो है शौक इश्क के मुतरादिफ़ के तौर पे यहाँ रिप्रेजेंट करता है, तर्जुमानी करता है इल्म के तीसरे ज़रिए यानी वही की और मज़हब की। जो पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीजन का पूरा केस है इकबाल का, उसको एक इस्तलाह में बयान करें तो वो काफिला शौक है। तू भी है उसी काफिला शौक से इकबाल, जिस काफिला शौक के सालार हैं रूमी। हमारे अहद के लिए रूमी का क्या पैगाम है? इस अहद को भी उसने दिया है कोई पैगाम? कहते हैं चिरागे रहे आरार है रूमी। रूमी ने क्या जवाब, अब इकबाल ने क्या जवाब दिया? इकबाल ने मस्तवी शरीफ से दो शेर भेजे, मस्तवी से दो शेर भेजे और वो रूमी के थे। और वो शेर क्या हैं? कह न बायद खुरद व जो हम चूँ खरा, आहुआना दर खुतन चर अरगवा। हर के काहो जो खुरद क़ुरबान शवद, हर के नूर हक खुरद क़ुरआन शवद। के गधों की तरह, गधों की तरह घास और जो ही न खाते रहो हर वक्त। कभी कभी ततारिस्तान के सहराए खुतन से अरगवां का फूल भी खा लेना चाहिए। ये जो हिरन के नाफे में कस्तूरी की बात फ़ारसी शुआरा के यहाँ बहुत थी, उर्दू के अंदर भी काफ़ी आई, बहुत ज़्यादा आई। ये बुनियादी तौर पे ततारिस्तान में सहरा है खुतन, जिसमें सफ़ेद रंग का फूल उगता है, उस फूल को अरगवान कहते हैं। और जो हिरन भी अरगवान का वो फूल खा लेता है, उसके नाफे के अंदर कस्तूरी पैदा हो जाती है। अब वो ये कहते हैं कि हर वक्त गधों की तरह जौ और घास न खाते रहो, कभी कभी खुतन के सहरा से अरगवां का फूल भी खा लो कि तुम्हारे अंदर भी कस्तूरी पैदा हो जाए। हर के काहो जो खुरद कुर्बान शवत, जो फकत घास और पत्ते खाता रहता है उसका मुकद्दर मर जाना है। हर के नूरे हक खुरद कुरान शवद, और जो नूरे हक अपनी खुराक बना लेता है वो कुरान की तरह ताबिंदा हो जाता है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में और किस अहद में लिखा गया? जब वर्ल्ड वार वन इख्तिताम पजीर हुई और वर्ल्ड वार वन की सारी जो उसके पीछे मुहरिकात थे वो क्या थे? वो उनके एथनिक, लिंगुअल, जियोग्राफिकल नेशनलिज़म्स थे, जिनकी बुनियाद पे सारी मगरबी अकवाम अपने अपने प्रेजुडिस के अंदर अपने अपने तासुबात में मुबतला थी। उस वक्त इकबाल ये कह रहे थे कि मगरब जो कुर्बान हुआ है गधों की तरह, इसकी वजह ये है कि इन्होंने सिर्फ घास और पत्ते खाए हैं, यानी इनकी सारी बुनियाद सिर्फ एम्पेरिक उलूम के ऊपर है, इंट्यूशन के साथ इनका कोई राबता नहीं है। इसलिए इकबाल के नज़दीक हर वो कौम जो अपनी बुनियाद रंग व नस्ल, ज़ुबान और जुग्राफिये पे रखती है, वो हर के काहो जो खुरद कुर्बान शवद, जो इस चीज़ के ऊपर बुनियाद रखता है वो पैदा ही कुर्बान होने के लिए हुआ। और हर के नूरे हक खुरद कुरान शवद, इसलिए बेहतर ये है कि अपनी कौमियत की बुनियाद किसी बड़े उसूल के ऊपर रखो। और वो बड़ा उसूल इकबाल के नज़दीक रूमी के जिस तसव्वुर से उन्होंने पेश किया, वो एक ग्रेटर स्पिरिचुअल वैल्यू है जिसके ऊपर किसी कौमियत की बुनियाद रखी जा सकती है। और यही ये जो रूमी के असरात हैं, यानी तन और मन की सारी बहस, हर्फ और माना की बहस, घास और अरगवां की बहस, गधे और हरन की बहस, यही सारा इकबाल का नज़रिया पाकिस्तान था, यही इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान था।
इल्मियात के अंदर भी इसी सारी इल्मियात से इकबाल ने पाकिस्तान का तसव्वुर अख़्ज़ किया था कि हमें अपनी बुनियाद रूमी के तसव्वुरात की बजाय ज़ाहिर पे नहीं बल्कि माना के ऊपर रखनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास टाइम तकरीबन गुफ्तगू का इख्तिताम पे है, गो के 10 मिनट हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ सवाल व जवाब में उसको बसर करें। जो नाचीज़ ने आपसे गर्मी की बात की थी कि गर्मी से क्या मुराद है इकबाल के नज़दीक, उस पे मैं एक अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ जाते हुए अर्ज़ करता हूँ। यही जो इकबाल की नज़म है पीर रूमी और मुरीद हिंदी, इसमें इकबाल ने जो डायलॉग किए उसमें इकबाल रूमी से ये सवाल करते हैं कि हिंद में अब नूर बाकी है न सोज, हिंद में अब नूर बाकी है न सोज, अहले दिल इस देश में है तीरा रोज। इसमें जो नूर है, हिंद में अब नूर बाकी है न सोज, नूर और सोज ये हमारी तहजीब के दो गोशों को रिप्रेजेंट करते हैं। नूर से मुराद हमारी इल्मी और रूहानी रवायत जो पाको हिंद में थी, और सोज से मुराद मुसलमानों की मुजाहिदाना ताकत जो थी यहाँ मुख्तलिफ सल्तनतों की सूरत में। इकबाल ये शिकवा करते हैं कि मुसलमानों में हिंद में ना इल्म बाकी रहा ना शान शौकत बाकी रही, अहले दिल इस देश में है तीरा रोज़, और जो अहले दिल हैं वो इस देश में ऐसे रह रहे हैं कि उनके दिन भी तारीख हो चुके हैं। रूमी इसके जवाब देते हैं, कारे मर्दां रोशनी और गर्मी अस्त, कारे दूना हीला ओ बेशर्मी अस्त। जो अहले हिम्मत हैं उनका काम है रोशनी और गर्मी, और जो कम हिम्मत हैं कारे दूना, जो कम हिम्मत हैं उनका काम फल्स एक्सक्यूज़ बनाना और बेशर्मों की तरह काहिरी की ज़िंदगी बसर करते रहना, पड़े रहना। जो जवाब शिकवा में भी और मुसद्दस हाली में भी इकबाल का और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुकद्दमा है उम्मत मुस्लिमा के असबाब जवाल का, सुस्ती व काहिली। इसकी एक तशरीह डॉक्टर सुहेल उमर ने की, मैं गुफ्तगू का इख्तिताम उस तशरीह से करूँगा। डॉक्टर सुहेल उमर ने कहा कि कारे मर्दां रोशनी और गर्मी अस्त, रोशनी से मुराद नूर है और नूर से मुराद अंदर की आँख है, जिसके लिए इकबाल ने कहा है कि आह यूरोप जी मुकाम आगाह नीस्त, चश्मे उ यंजुर बिनूर इल्लाह नीस्त, कि यूरोप इस मुकाम को नहीं समझ सकता इसलिए कि उसकी आँख मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, इस शान से वाकिफ नहीं है। तो माना इसका यही है कि वो ऐसी आँख है उसके पास कि वो शय गैर मरी को भी देख सकता है। मुझे ज़हूरी तुरशीज़ी का एक शेर याद आ रहा है, अगर मैं उसकी गलत तशरीह करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि असातज़े कराम एक नालायक तालिबे इल्म को ज़रूर माफ़ कर देंगे। वो ये है कि ज़हूरी ने कहा है, गह बुएरा गह बुएरा बदतरबियत चश्म करदा रंग, गह बुए रा बदतरबियत चश्म करदा रंग, गह रंग रा बदतकवियत मग़्ज़ बू कुनंद, कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर निगाह की तरबियत आ जाए तो खुशबू रंग बन जाती है, और अगर कभी निगाह की बजाय मग़्ज़ो अकल गालिब हो जाए तो रंग भी खुशबू बन जाता है। तो इन दोनों में जो फ़र्क है, खुशबू वजूद रखती है अपना, मौजूद होती है मगर नज़र नहीं आती, शय गैर मरई है, लेकिन ज़हूरी कहते हैं कि अगर किसी की निगाह की तरबियत मिल जाए तो अनदिखी चीज़ें भी दिखने लगती हैं, लेकिन गह मग़्ज़रा गह रंगरा बदतकवियत मग़्ज़ बू कुनंद, और कभी कभी अगर मग़्ज़ और अक्ल गालिब आ जाए तो ऐसा भी हो जाता है कि रंग दिखने वाली शय है वो दिखने वाली शय भी न दिखने वाली बन जाती है। तो बुनियादी मुद्दा उनका यह है कि अगर रोशनी हो, आँख में नूर हो, तो वो खुशबू को देखने की भी, जो नज़र नहीं आता उसको देखने की भी सलाहियत पैदा कर लेती है। इससे ज़्यादा वाज़े अल्फाज में इससे अगला मुकदमा बयान किया जा सकता है, मौजू उसका तवील हो जाएगा। और गर्मी से मुराद इश्क है,
और ये दोनों रोशनी और गर्मी, ये दोनों अल्फाज रिप्रेजेंट करते हैं इल्म के तीसरे ज़रिए को, जो विजदान, इल्हाम या वही है, इंट्यूटिव वे ऑफ नॉलेज। और कारे दूना हीला व बेशर्मी अस्त, लेकिन जो कमीने हैं, दूना का एक मतलब कम हिम्मत भी होता है, दून एक कमीने के माने में भी इस्तेमाल होता है। और जो कमीनी अकल है वो क्या करती है, वो हीले तराशती है, और जो हीला है ये रिप्रेजेंट करता है तशकीक को, स्केप्टिसिज्म को, और जो बेशर्मी है ये रिप्रेजेंट करती है हकायक को देखकर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ हकायक को तोड़ मोड़ के पेश करना, और किसी चीज़ को देखकर भी उसके ऊपर डिठाई का मुजाहरा करना, जैसा कि पूरी इस वक्त की बहुत पॉपुलर वेस्टर्न ट्रेडिशन जो है, जो हकायक उनके इम्पीरियल एजेंडा को सपोर्ट नहीं करते, वो उन हकायक को कभी भी तस्लीम नहीं करते, चाहे वो मैथमेटिकली साइंटिफिकली प्रूवन भी हों। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी आदमी ये रशिया यूक्रेन वॉर पे अपना नुक्ते नज़र मेन स्ट्रीम वेस्टर्न नुक्ते नज़र से मुख्तलिफ रखता है, तो किसी मेन स्ट्रीम वेस्टर्न वेबसाइट, किसी मेन स्ट्रीम वेस्टर्न रिसर्च जर्नल, किसी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर के अंदर उसका ओपिनियन शाया नहीं हो सकता। ये वो बेशर्मी है, जो यानी इम्पीरियल डिज़ाइन है। तो माना इसका यह है कि रोशनी से मुराद अंदर का नूर है और गर्मी से मुराद इश्क है, और इसलिए अलामा इकबाल के यहाँ जहाँ भी गर्मी का लफ्ज़ आया है उससे मुराद वो अंदर का इश्क है। और कारे दूना हीला व बेशर्मी अस्त, लेकिन जो दुनिया ने अपनी साख्त बना ली है वो कम हिम्मती के ऊपर बुनियाद रखती है, और वो तशकीक है, स्केप्टिसिज्म है। इसके मुकाबले में इकबाल ने जो रास्ता दिखाया और रूमी ने दिखाया वो मुश्किल पसंदी का है, और मुश्किल पसंदी से मुराद भी हीला और बेशर्मी से बाहर निकलना है। अगर ख्वाही हयात अंदर ख़तर जी, कौम की ज़िंदगी चाहिए तो ख़तरों के अंदर रहना सीखो। रूमी ने कहा, ताज़े जहरो अज शकर दर नगजुरी, कह तो अज गुलजार वहदत बूबरी, जब तक तू जहर और शकर इन दोनों को चख नहीं लेता, तू वहदत के गुलजार से कभी भी खुशबू हासिल नहीं कर सकता। तो कौम को मुश्किलात से गुज़र के अपनी ज़िंदगी की नवीद मिलती है, उससे राहवल जाइए बाहू, जिस थी खलकट डरदी हूँ। आप सब की तवज्जो का बहुत शुक्रिया। जावर इकबाल अर्ज़ कर रहा हूँ, सर गुजारिश ये करनी है कि जैसे आपने तकरीर में भी फरमाया था, नहीं आ रहे हैं कि इकबाल जैसा मर्द कलंदर दोबारा पैदा नहीं होगा। आपने भी फरमाया कि हमारी, इकबाल ने खुद कहा था कि ज़रा दम होती मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ साकी, कि हमारी मिट्टी इतनी बंजर हो चुकी है, हमारी धरती इतनी बंजर हो गई है कि कोई दोबारा इकबाल जैसा मर्द कलंदर पैदा नहीं कर पा रहा है। और दूसरा ये कि जब हम ये इस बात कहते हैं कि कुरान क़यामत तक के लिए राय हिदायत है, हमारे पास सारी इसकी रोशनी मौजूद रहेगी, तो ऐसा क्या मसला है जब हमें पता भी है हमारे मसाइल क्या है, हमें उसका हमारे पास हल भी मौजूद है, हम उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते, और आप जैसे स्कॉलर जो हैं, हमारे जो जो है, जब इन्हें सब कुछ मसाइल का भी नॉलेज है, मसाइल का भी इनको पता है और हमारे पास हल भी मौजूद है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे हम इसको अपनी लाइफ पे इंडिविजुअली कैसे कर सकते हैं, और मजबूरी तौर में ओवरऑल कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारी जो मुस्लिम उम्मा के जो मसाइल हैं जिस पर अक्सर आप जिक्र भी करते रहते हैं, उनको कैसे हाईलाइट तो करते रहते हैं, हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, सोल्यूशन कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे सोल्यूशन कैसे हम लेके आएंगे इनको। इकबाल का सानी कोई पैदा नहीं हो सका, इससे ये नतीजा तो अखज शायद न किए जा सके कि मिट्टी बंजर हो चुकी है, जैसे गजाली का कोई सानी पैदा नहीं हुआ इतने तकरीबन कम व बेश 1000 बरस होने को, 1111 में आपकी वफ़ात हुई। इसी तरह दीगर कई बड़े नाम रेफ़र किए जा सकते हैं, तो उनके हम पल्ला लोग पैदा नहीं हुए। इकबाल की अपनी जो फील्ड है और इकबाल का अपना जो मैदान है उसमें उनका कोई सानी आज तक के नहीं है, लेकिन उसके अलावा दुनिया इस्लाम ने बहुत बड़े लोग पैदा किए हैं। और मेरा ये नुक्ता नज़र है हमेशा से कि सबसे बेहतरीन ज़माना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद सहाबा इकराम का ज़माना है, उसके बाद ताबईन का, फिर तबा ताबईन का, उसके बाद बहुत इंतशार है और गहमा गहमी है, सल्तनतें हैं, नाइंसाफियां हैं, फ़िरक़े हैं, फसादात हैं, जंगे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन
फिर भी 500 साल बाद भी एक शख्स खड़ा होकर सुन्नत अबू उबैदा को ज़िंदा कर देता है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। उसके बाद फिर इंतशार है, आप तारीख को अगर देखें उसमें कई वाक़यात पेश होते हैं, लेकिन इतने तवील वक्फे के बाद भी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह पैदा हो जाते हैं। उससे कुछ अरसा पहले अगर आप देखें, ये ठीक है ख्वारज़मी टूट गए, सलजूकी टूट गए, अब्बासी टूट गए, ममलूकों के पास कुछ ना रहा, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 40 बरस तक मंगोलों को दरियाए सिंध अबूर नहीं करने दिया। जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंतशार था और मुसलमानों की हर चीज़, और क्या मुसलमान सभी की हर चीज़ जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ढेर पड़ी थी, उस वक्त भी सुल्तान टीपू जैसे अजीम लोग पैदा हुए। उसके बाद ख़ुद अल्लामा इकबाल का पैदा होना और अल्लामा इकबाल के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियात का आना, तो मैं इससे ये नतीजा अख़ज़ करता हूँ कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, जब हज़रत अबू तालिब के काशाने अक्दस पे कुफ्फार आए और उन्होंने कहा कि अपने भतीजे से पूछें क्या मांगते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक कलमा पढ़ लें, इनको पूरे अरब का हुक्मरान कर दिया जाएगा और अजम इनको जिज़िया अदा करेगा। अभी कोई लश्कर नहीं है, कोई हिजरत नहीं हुई, कोई अहकाम जिहाद भी नहीं है, तो कलमे के अंदर एक ताकत है कि ये फातहीन का कलमा है और ये कलमा ख़ुद अपने पढ़ने वालों के अंदर या अपने मानने वालों के अंदर अजीम लोग पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो मेरा तो ये नुक्ता नज़र है कि आज से 1000 साल बाद भी इस मिल्लत में अजीम लोग पैदा होते रहेंगे, जैसे 1000 साल तक आज तक अजीम लोग पैदा होते आए हैं। ये तो सर पहले वो उसका अर्ज़ है। दूसरा इसमें जनाब ने जो फरमाया कि चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, तो मेरा ख्याल है आखिरी शेर जो हमने पढ़ा वो यही था कि कारे दूना हीला व बेशर्मी अस्त। हम एक तो दून हो गए हैं, कम हिम्मत हो गए हैं, मजमूई तौर पे हमारा जो सियासी निज़ाम है वो यहाँ पे कारे मर्दा को सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात ये कि चीज़ों के बारे में हम स्केप्टिक बहुत हैं, तशकीक बहुत है। तो इकबाल का जो स्केप्टिसिज्म के ख़िलाफ़ एक बड़ा बुनियादी नुक्ता था और वो ये कहते थे कि स्केप्टिसिज्म की बजाय यकीन के ऊपर कौम की तरबियत की जाए, तो यकीन के ऊपर तरबियत की ज़रूरत है। और ये इदारा जो है मेरे ख़्याल में आपके मुआशरे के जो मसाइल हैं उनके बेहतरीन मुताले के लिए, तजज़िए के लिए, अरबाब इख्तियार को उस पर बेहतरीन तजावीज़ देने के लिए, और जो नौजवान यहाँ आते हैं उनको इस काबिल बनाने के लिए कि वो ख़ुद जब अपनी मसनद पे पहुँचें तो इस काबिल हों कि अपने मसाइल को हल कर सकें, उसमें ये एक बेहतरीन किरदार अदा करेगा। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ा खुशाइंद इदारा है। और इस सवाल का जो आखिरी हिस्सा है कि चीज़ें हल क्यों नहीं होती, तो हल इसलिए नहीं होती कि सुस्ती है, काहली है और अहले हिम्मत नहीं है, और ये इदारा अहले हिम्मत को पैदा करने में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। जज़ाकल्लाह बहुत मोहतरम जनाब साहिबजादा सुल्तान अहमद अली दामत बरकातहुम अलालिया, अपने कीमती ख़यालात का इजहार मौलाना रूम और हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से फरमा रहे थे। और आपकी गुफ्तगू से यकीनन हमारे अंदर ये जज्बा बेदार हुआ है कि हम मुस्लिम फ़लासफ़ा में, मुस्लिम मुफक्किरीन में इन तमाम अहले इल्म के माहिरीन पैदा करने की कोशिश करें। इस तरह मग़रिब में कोई इमाम गज़ाली का माहिर है, कोई शेख अकबर के उलूम से मुतालिक अपने अंदर महारत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो कम से कम बहसियत एक मुसलमान तालिब इल्म के हमें भी अपने दरमियान मुस्लिम मुफक्किरीन के माहिरीन को तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपनी प्रोग्राम को यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला, हदीस की बड़ी मशहूर दुआ है कि अल्लाहुम्मा अरीना हक़ाइक़ल अशियाई कमाही, ए मेरे अल्लाह
مجھے اشیاء کی حقیقتیں اس طرح دکھا جیسے وہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر اس طرح سے دعا مانگی ہے کہ اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے ذریعے سے اسی علم بالوحی تک پہنچنے کی ہمیں دعوت دی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انٹیوٹیو نالج کے ذریعے سے ہمیں اس علم تک پہنچنے کی دعوت دی ہے۔ تو اگر ہم یقیناً وجدان اور خواب کو، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا، اگر ان دونوں علم کے دھاروں کو جوڑ کر ہم اپنے علم کو آگے بڑھائیں تو یقیناً ہم بہت کچھ آگے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس سیمینار میں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن تشریف لائے، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں سیرت انسائیکلوپیڈیا کے، اور جناب محترم ڈاکٹر عمران خان صاحب تشریف لائے، جو سیرت انسائیکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے ڈپارٹمنٹ آف انگلش کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ہم تمام دیگر مہمانان گرامی قدر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں، میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عمران خان صاحب سے بھی کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور ہم ادارے کی طرف سے ایک اعزازی شیلڈ قبلہ صاحب ذرا صاحب کو ہم پیش کریں گے تاکہ وہ ایز اے ٹوکن آف لو ہمیشہ آپ کی یادوں میں رہے۔